बड़ी खबरों की ओर ले चलते हैं। बताते चले, थानों की पुलिस एसओजी सर्विलांस व स्वाट टीम के संयुक्त अभियान चलाकर एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार करने की सफलता पाई है जो लोगों के घरों से चोरी कर पूरे घर को साफ कर देते थे। 26 जनवरी की शाम को लगभग 8-8:30 बजे के आसपास हरपुर बुधहट क्षेत्र में एक पिकअप लूटी गई थी। उस घटना से संबंधित विवेचना के दौरान ये बात प्रकाश में आई कि एक गैंग जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है, वो गैंग पिकअप और उसके साथ कुछ सामान लेकर के निकलने की फिराक में है। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम, हरपुर बुधहट की टीम और खजनी की टीम ने मिल करके संयुक्त ऑपरेशन किया, जिसमें हरपुर से लूटी गई पिकअप, टेक्निकली वो मुकदमा डकैती में लिखा क्योंकि उसमें 5 या 5 से ज़्यादा लोग शामिल थे, उसके अलावा इनके पास से बहुत सारा चोरी का सामान बरामद हुआ। छोटे छोटे घरेलू सामान हैं। उस आधार पर जब पूछताछ की गई तो ये उरुआ क्षेत्र का रहने वाला एक गिरोह है। इनका जो मास्टरमाइंड है अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इन्होंने इलाके में तमाम छोटी मोटी चोरियां कर डाली थी। महत्वपूर्ण चोरी में उनवल क्षेत्र से एक पैरामिलिट्री के इंस्पेक्टर के घर से बुलेट मोटरसाइकिल और उनकी एलसीडी गई थी। घटना में चोरी गई एलसीडी बरामद हो गई है। बुलेट जिस अपराधी के पास है वो भी पुलिस के हत्थे नहीं आया है। और जब पूछताछ हुई तो थाना खजनी की उनवल के अलावा एक पुरानी चोरी जिसमें घर से कुछ ज्वेलरी गई थी, उरुआ क्षेत्र की एक चोरी जिसमें घर से छोटे मोटे ज्वेलरी गई थी, सिकरीगंज की चोरी के अलावा बगल के जनपद कबीरनगर के एक चोरी जिसमें सीसीटीवी कैमरा ही उखाड़ कर ले गए थे, उनका हार्ड डिस्क डीवीआर वगैरह ले गए थे, तो उनका कैमरा बरामद हुआ है। और बांसगांव क्षेत्र में हरनही क्षेत्र से एक घर में चोरी हुई थी, उनकी भी एलसीडी गई थी, वो चोरी की एलसीडी बरामद हुई है। तो इस तरह से डकैती की एक घटना और 7 चोरी की घटनाओं के माल बरामद हुए हैं। उसके अलावा भी इनसे